दोस्तों आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाला हूं बजाज की CT110X और दूसरा है TVS की स्पोर्ट्स। CT110 की बात करते हैं तो ये रिसेंटली अभी लॉन्च हुई है और बताया जा रहा है ये स्पेशली डिलीवरी बॉय के लिए है। तो ऐसे में दोस्तों TVS स्पोर्ट के साथ कंपैरिजन करना बनता है क्योंकि TVS स्पोर्ट भी डिलीवरी बॉय के लिए है और दोनों ही बाइकों को कह सकते हैं ये डेली राइडिंग के लिए है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों बाइकों में अच्छे खासे माइलेज मिल जाती है। अगर यहीं पे दोस्तों अगर सबसे पहले माइलेज की ही बात कर लेते हैं तो 75 KMPL से प्लस माइलेज देखने को मिल जाएगी, यानी कि 75+ माइलेज देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी खासी माइलेज देखने को मिल जाएगी दोनों ही बाइकों में। तो ऐसे में दोस्तों दोनों बाइकों को लेकर कंफ्यूज है कौन सा बाइक लेना चाहिए तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले दोनों बाइकों की डिज़ाइन की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों बाइकों की डिज़ाइन काफ़ी हटके है। CT110X की बात करते हैं तो इसमें आपको सामने राउंड शेप का हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा और ऊपर इसमें आपको LED DRL देखने को मिल जाती है, जो कि पुरानी वाली बॉक्सर आती थी लगभग वैसे ही डिज़ाइन इसकी रखी गई है। टैंक पे आपको रबर का थाई प्लेट देखने को मिल जाती है, CT का बैजिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर CT110 का बैजिंग देखने को मिल जाती है, ब्लैक कलर का एलॉय व्हील इसमें आती है, ब्लैक इंजन आती है, पीछे ब्लैक कलर का कैरियर देखने को मिल जाती है जो कि 4-5 किलो वजन आराम से रख सकते हैं, और क्रोम फिनिश मफलर देखने को मिलती है। तो अगर दोस्तों अगर कहें इसकी डिज़ाइन की बात करते हैं तो लगभग इस बाइक में लगभग ब्लैक फिनिश दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे TVS स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इसमें आपको स्पोर्टी हैलोजन बल्ब देखने को मिल जाती है सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको LED DRL देखने को मिल जाती है, ब्लैक वायर देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, बॉडी कलर का फ्रंट फेंडर आ जाती है इसमें, टैंक पर आपको 3D लोगो देखने को मिल जाती है TVS का, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, पीछे अल्मोनियम का ग्रैबरल देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है इस बाइक में, डबल टॉम सीट आती है इसमें और अच्छे खासे ग्राफिक देखने को मिल जाती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं तो TVS स्पोर्ट्स की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे CT110 की बात करते हैं तो ये थोड़ी सी लंबी बाइक लगती है, थोड़ी सी हल्की लगती है। वैसे दोस्तों डिज़ाइन किसकी अच्छी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बात करते हैं दोनों बाइकों की इंजन स्पेसिफिकेशन की। CT110X की इंजन आती है 115.45 cc का एयर कूल 4-स्ट्रोक 2-वाल्व BSS कंप्लायल इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन इसमें आती है। TVS स्पोर्ट की इंजन आती है 109.7 cc का एयर कूल 4-स्ट्रोक BSS कंप्लायंट स्पार्क इग्निशन ATFI टेक्नोलॉजी फ्यूल इंजेक्शन इसमें आती है। यहाँ पर दोस्तों बजाज CT110X में आपको पेट्रोल टी मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन आती है इसमें, आपको फ्यूल इंजेक्शन नहीं आती है। तो CT110 ले सकते हैं, नहीं तो आप फ्यूल इंजेक्शन ले सकते हैं, जो कि इसमें आपको पेट्रोल टी देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ अगर फ्यूल सिस्टम ख़राब होती है तो फ्यूल इंजेक्शन थोड़ी सी महंगे कॉस्ट में बनेगी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन ये लगभग कार्बोरेटर तरह की रहती है तो ये आपको थोड़े से सस्ते बनेगी। तो देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं बजाज की CT110X लेना है या फिर TVS के स्पोर्ट्स लेना है। दोनों बाइकों की पावर और टॉर्क की बात करते हैं तो CT110 की पावर निकालती है 8.6 PS की 7000 RPM एंड मैक्सिमम टॉर्क निकालती है 9.81 Nm 5000 RPM। TVS स्पोर्ट्स में मैक्सिमम पावर निकालती है 8.3 PS की 7350 RPM एंड मैक्सिमम टॉर्क निकालती है 8.7 Nm 4500 RPM। दोनों ही बाइकों में 4 गियर आती है। स्टार्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो सेल्फ और किक दोनों मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं बजाज की CT110X में थोड़ी सी बड़ा इंजन होने के कारण इसमें आपको पावर और टॉर्क ज़्यादा मिलती है, तो हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा टॉप स्पीड ज़्यादा मिल जाए। तो ऐसे में दोस्तों अगर पावरफुल इंजन के साथ जाना चाहते हैं तो CT110 ले सकते हैं। वैसे दोस्तों ये ऑन पेपर है, बाकी बात दोस्तों अगर रियल में चलाएंगे तो दोनों बाइकों में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी पावर और टॉर्क में। आगे बात करते हैं दोनों बाइकों की टायर और व्हील साइज की। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ टायर और व्हील साइज में कोई फ़र्क नहीं है दोनों बाइकों में। आगे की टायर आ जाती है 2/75-17 और पीछे 3/0-17 का टायर आती है और दोनों ही बाइकों में 17 इंच का अलॉय व्हील आती है। CT110X की बात करते हैं जिसकी जो टायर की डिज़ाइन है काफ़ी हटकी रखी गई है, ऑफ रोडिंग के लिए रखी गई है जैसे कि आप देख सकते हैं। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ब्रेकिंग में भी कोई फ़र्क नहीं है, आगे 130 mm का ड्रम ब्रेक आती है और पीछे 110 mm का ड्रम ब्रेक आती है, दोनों ही बाइकों में डिस्क ब्रेक का कोई ऑप्शन नहीं है। सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन में आपको CT110 में अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि इसमें आपको 125 mm का आगे की सस्पेंशन ट्रेवल देखने को मिलती है, जो कि ऑफ रोडिंग यानी कि ख़राब रास्ते के लिए भी काफ़ी परफेक्ट रहेगी। जबकि TVS स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो आगे टेलीस्कोपिक ऑयल डंपर आती है और पीछे 5-स्टेप हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर आती है। आगे बात करते हैं दोनों बाइकों की कुछ डायमेंशन की।
तो CT110X में ग्राउंड क्लियरेंस आती है 170 mm, फ्यूल टैंक 10.5 लीटर और गाड़ी का वजन 118 kg, जबकि TVS Sport की ग्राउंड क्लियरेंस 175 mm आती है, फ्यूल टैंक 10 लीटर और गाड़ी का वजन 110 kg। तो ऐसे में दोस्तों अगर हल्के बाइक चाहते हैं तो TVS Sport ले सकते हैं, इसमें आपको 8 kg वजन कम देखने को मिलती है कम्पेयर टू CT110X के मुकाबले, और इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा सा 5 mm ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि नीचे से इंजन टकराने का कम चांस रहेगा इस TVS के स्पोर्ट्स में। तो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, हल्की बाइक अगर लेना चाहते हैं तो TVS Sport ले सकते हैं। मीटर कंसोल की बात करते हैं तो दोनों बाइकों में डिजिटल मीटर देखने को नहीं मिलती है, फुल्ली एनालॉग मीटर देखने को मिलती है, और वही बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, इसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि इसमें आपको स्पीडोमीटर आ जाएगी, ऑटोमीटर आ जाएगी, हाई बीम लो बीम का इंडिकेटर आ जाएगी, न्यूट्रल की इंडिकेटर आ जाएगी, टर्न इंडिकेटर आ जाएगी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है दोनों बाइकों में, और TVS Sport में आपको इकोनॉमी मीटर देखने को मिल जाती है। बाकी बात कुछ फीचर्स की बात करते हैं तो CT110X की बात करते हैं, जिसमें आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिल जाती है, जबकि TVS Sport में भी कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आती है, यानी कि पीछे वाला ब्रेक दबाते हैं तो आगे वाला ब्रेक कुछ हद तक की लगती है। CT110 में दोनों साइड फुटरेस्ट आती है, जो कि TVS Sport में नहीं आती है, और ये ऐसी पहली बाइक है कि जो दोनों साइड आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाती है CT110X में। इसमें आपको इंजन गार्ड देखने को मिल जाती है ब्लैक कलर का, जैसे कि आप देख सकते हैं, जबकि TVS Sport में इंजन गार्ड नहीं आती है। इसमें आपको लेग गार्ड भी देखने को मिल जाती है, और TVS Sport में भी लेग गार्ड आ जाती है। TVS Sport की बात करते हैं, जिसमें आपको डबल टोन सीट देखने को मिल जाती है, ऑल गियर सेल्फ स्टार्ट आ जाती है, यानी कि किसी भी गियर में आप सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं, तीसरे गियर चौथे गियर में भी सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि CT110 में ऐसा फीचर्स नहीं है। टैंक पे आपको 3D का लोगो देखने को मिल जाती है TVS का, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। TVS का कहना है इसमें आपको 15% एक्स्ट्रा माइलेज मिलती है, यानी कि दोस्तों माइलेज तो ठीक ठाक दोनों में मिलने वाली है। यहाँ पे इसमें आपको लेग गार्ड देखने को मिल जाती है, क्रोम फिनिश मफलर देखने को मिल जाती है, काफ़ी लंबा देखने को मिलती है जैसे कि आप देख सकते हैं, जबकि CT110 में आपको थोड़ा सा छोटा देखने को मिलती है। कुल मिलाकर दोनों ही बाइकों में ठीक ठाक फीचर देखने को मिल जाती है, स्पोर्ट्स की अपनी फीचर्स है और CT110 की अपनी फीचर्स है। दोनों बाइकों की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, दोनों बाइक इंडियन कंपनी की बाइक है, तो मान के चलिए दोनों बाइकों में ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। रिसेल वैल्यू की बात करते हैं तो CT110X की अभी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट में नहीं आई है, इसकी रिसेल वैल्यू कितनी रहेगी, लेकिन दोस्तों TVS Sport की ठीक ठाक रिसेल वैल्यू है। दोस्तों बात करते हैं दोनों बाइकों की प्राइस की, क्योंकि प्राइस से ही सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाती है, कौन सी बाइक लेना चाहिए और कौन सी बाइक नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले बजाज CT110X की बात करते हैं, तो इसकी दिल्ली शोरूम प्राइस पड़ जाती है 55,494 रुपया, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस 65,441 रुपये रहने वाली है। TVS Sport की बात करते हैं तो इसमें आपको दो मॉडल आती है, किक और सेल्फ। अगर आप किक में लेते हैं, सेल्फ नहीं लेते हैं, तो ये आपको पड़ती है 56,130 रुपया, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस 66,240 रुपये पड़ती है, और यहीं पे किक और सेल्फ दोनों लेते हैं तो ये आपको पड़ जाती है 62,980 रुपया शोरूम प्राइस, जबकि इसकी ऑन रोड प्राइस 74,865 रुपये पड़ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, बजाज CT110 की प्राइस काफ़ी कम देखने को मिलती है, लगभग 6,000 से 7,000 रुपये कम देखने को मिलती है कम्पेयर टू TVS Sport के मुकाबले। वैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बजाज हमें काफ़ी सस्ते दामों पर बाइक प्रोवाइड करती है अपने सेगमेंट के हिसाब से अदर कंपनी के मुकाबले। तो ऐसे में दोस्तों CT110 के भी काफ़ी कम प्राइस रखी गई है, तो यहाँ पर CT110 ले सकते हैं, जो कि इसमें आपको 7,000 से 8,000 रुपये बचा सकते हैं, जो कि इसमें आपको अच्छे खासे पावरफुल इंजन देखने को मिल जाती है, अच्छे खासे लुक देखने को मिल जाती है, तो ले सकते हैं। TVS Sport की बात करते हैं, जिसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन आती है, जो कि अच्छे खासे माइलेज देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों फ्यूल इंजेक्शन का ज़माना आ गया, तो TVS Sport एक बेस्ट ऑप्शन है। बाकी बात इसमें आपको 7,000 से 8,000 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर आप किक और सेल्फ में लेते हैं तो। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि TVS Sport में आपको थोड़ी सी अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, लुक्स अच्छी मिलती है, जबकि CT110 की अगर लुक की बात करते हैं तो ये थोड़ी सी हल्की लगती है, पतली लगती है, पर दोस्तों वजन में ये ज़्यादा है 118 kg। तो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं दोस्तों। लगभग मैं दोनों बाइकों की सब कुछ बता दिया हूँ, दोनों बाइकों में क्या फीचर देखने को मिलती है, टायर डायमेंशन, इंजन स्पेसिफिकेशन। बाकी मैं दोस्तों अगर कुछ भूल गया हूँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसकी जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।